नमस्कार दोस्तों, दीपिका पादुकोण और रणवीर कपूर फिर से दिखेंगे एक साथ। अभी हाल ही में सुनने में आया है कि दीपिका पादुकोण कपिल देव की बायोपिक में काम करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। इस फिल्म में दीपिका को कपिल देव की वाइफ का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन इस फिल्म को दीपिका ने ठुकरा दिया है। किसी वजह से उन्हें फिल्म की कहानी या फिर अपना रोल पसंद नहीं आया, जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म से इनकार कर दिया है। भले ही दर्शकों को दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की जोड़ी इस साल देखने को ना मिले, लेकिन रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की पुरानी जोड़ी एक बार फिर से पर्दे पर नजर आने वाली है। इसमें दीपिका लीड रोल में परफॉर्म करने वाली हैं। दीपिका पादुकोण और रणबीर सिंह की जोड़ी बड़े पर्दे पर सबसे हिट जोड़ियों में से एक है। हाल ही में दोनों ने शादी भी की और शादी के बाद फैंस उन्हें फिर से साथ में देखना चाहते हैं। 2019 में ऐसी कोई फिल्म नहीं आ रही है जिसमें दीपिका और रणवीर साथ में दिखाई दे। हालांकि दीपिका और रणबीर कपूर की पुरानी जोड़ी फिर से पर्दे पर नजर आ सकती है। दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर की जोड़ी ने बॉलीवुड के कई हिट फिल्में दी है। बचना ए हसीनो, ये जवानी है दीवानी और तमाशा जैसी फिल्मों में इस जोड़ी को फैंस ने खूब ज्यादा पसंद किया है। ये जोड़ी लंबे समय से किसी फिल्म में नजर नहीं आ रही है। चर्चा है कि दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर एक बार फिर से एक फिल्म में साथ काम करने जा रहे हैं। हमारे पास जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उसके अनुसार दीपिका और रणबीर लव रंजन की अगली फिल्म के में साथ में काम करने वाले हैं। बता दें कि लव रंजन की अगली फिल्म में रणबीर कपूर और अजय देवगन लीड रोल में नजर आने वाले हैं। खबर यह है कि इस फिल्म में दीपिका पादुकोण फीमेल लीड में होंगी। अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि जो फैंस रणवीर सिंह और दीपिका को फिल्म में एक साथ देखने के अरमान मतलब कि सपने सजा रहे थे, वहां पर उनका सपना टूटने वाला है और अब वो सपना मतलब बाद में ही पूरा होगा। लेकिन अभी फैंस को उनके जो एक्स बॉयफ्रेंड थे यानी कि रणबीर कपूर के साथ उनकी जोड़ी यानी कि दीपिका के साथ वो दोनों एक बार ब्रेकअप के बाद पहली बार नजर आने वाले हैं। तो देखेंगे कि इस पूरी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कैसा काम ये दोनों करेंगे और कैसे वो बड़े पर्दे पर सामने आएंगे, क्योंकि उनको काफी टाइम बाद बड़े पर्दे पर साथ में देखा जाएगा। जब से इनका दोनों का ब्रेकअप हुआ है उसके बाद इनको फिल्मों में नहीं देखा गया है साथ में। तो ये जो खबर है वो इनके फैंस के लिए काफी अच्छी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और देखेंगे कि जो रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण को साथ में देखना चाहते हैं जो फैंस, उनका रिएक्शन क्या होता है इस जोड़ी को साथ में देखकर बड़े पर्दे पर। अगर आप भी एक्साइटेड हैं रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण को साथ में देखने के लिए इस फिल्म में लव रंजन की जो फिल्म आने वाली है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। लेकिन अगर आप रणवीर सिंह के साथ देखना चाहते हैं दीपिका पादुकोण को अगली फिल्म में, एक्साइटेड हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ साथ टुडेज की ऐप को जरूर डाउनलोड करें। धन्यवाद।